Hello everyone, welcome to the part 5 of our detailed analysis and explanation of prelims 2024. So this is the last part, fine. So in the last video, in the part 4, we have covered till question 71. Now 72 to 76 is geography. You can check your geography concepts. We'll start from 77. So the question is with reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances that are used in making consumer goods, consider the following. Now, PFAS are found to be widespread in drinking water, food packaging materials. Correct statement. They are not easily degraded in the environment. They are not easily degradable. Persistent exposure to this can lead to bioaccumulation in animal bodies. So all these three are correct statements. So these are general science questions. Now next question. अब इस प्रकार के जो organisms oriented questions आजकल 3 साल से काफी questions पूछ रहे हैं, 2-3 questions हमेशा हर साल आता है. Consider the following: carbide beetles, centipedes, flies, termites and wasp. और question ये पूछा है कि parasitoid species are found in how many of the above organisms? Now parasitoid species are both parasites and also their predators. दोनों का characteristics जिनके जो जिस ऑर्गेनिज्म में है उसको पैरासिटॉइड बोलते हैं. ऑल दीज आर लाइक दीज आर ऑल पैरासिटॉइड स्पीशीज. सो द आंसर इज ऑल 5. बीटल्स भी है, सेंटीपेड्स भी है, फ्लाइज भी है, टर्माइट्स भी है एंड वैस्प भी है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 79. कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स: ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द पी फैमिली? ऑल दीज 3 बिलोंग टू द पी फैमिली. सोयाबीन भी है, हॉर्स ग्राम भी है, ग्राउंड नट भी, इवन पी नट्स भी है. दीज आर ऑल पी फैमिली से होते हैं. क्वेश्चन नंबर 80 एनवायरमेंट का क्वेश्चन है. हमेशा एक एक्ट से या फिर एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट से या फिर कोई एनिमल स्पेसिफिक लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर एक्ट, एनवायरमेंटल एक्ट से लिंक होके आ जाता है. द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 2. द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स. अब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ये वर्मिन कैटेगरी में पहले था, ये 72 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, शेड्यूल 5 इज फॉर वर्मिन. अभी तो चेंज हो गया है, वैसे 1972 के एक्ट में शेड्यूल 5 को वर्मिन बोलते हैं. तो क्वेश्चन इज, द स्टेटमेंट इज दे फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज दे आर डैमेज टू मैंगो एंड गुआवा क्रॉप्स. वर्मिन यूजुअली होता है उन्हीं को हम बोलते हैं दोजू डैमेज अदर क्रॉप्स या फिर ह्यूमन लाइफ. सो मैंगो एंड गुआवा क्रॉप्स को ये डैमेज करते हैं, तो इसीलिए इनको वर्मिन में डाला गया. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. नाउ वील गो थ्रू सम इकोनॉमिक क्वेश्चंस. फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 to 25 में देयर आर सम इकोनॉमिक क्वेश्चंस. अभी द रेस्ट इकोनॉमिक क्वेश्चंस यहीं पे आ जाएगा एंड स्लॉट पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल फर्टिलिटी रेट. पॉपुलेशन का टॉपिक है, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया 2.1 का है. फर्टिलिटी रेट का मतलब है द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज. दैट इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट. वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो इजी क्वेश्चन. इन इंडिया NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द आरबीआई. यस, आरबीआई कभी कभार लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी NBFC के लिए भी करता है, बट आरबीआई रेगुलेट्स इट. इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वाई नॉट? दे कैन ऑल्सो होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे कैन ऑल्सो होल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट्स. ये पहले हो रखा है, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेप्ट के लिए कर सकते हैं. NSE ने बहुत पहले किया था, बीच बीच में से भी कुछ साल पहले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स डेप्ट के लिए कर सकते हैं. ये है, इनके पास पावर है, वो कर सकते हैं. सो ऑल दीज 3 आर 1, 2, 3, ऑल दीज 3 आर करेक्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंश्योरेंस कंपनीज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, हर कोई कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में. डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑल 1, 2, 3 आर करेक्ट. नाउ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है.
कंसीडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मोटर व्हीकल्स करेंसी स्वैप एक्सचेंज ईटीएफ्स ऑलवेज इन न्यूज करेंसी स्वैप जो दो कंट्री के बीच में ट्रांजेक्शन होता है जैसे इंडिया और यूएई के बीच में होता है वो डायरेक्ट उनके करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है बीच में डॉलर का जरूरत नहीं होती उसको करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल एसेट्स। सी ईटीएफ आप फंड आप उसमें ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इट इज अ फाइनेंशियल एसेट। करेंसी स्वैप इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल एसेट डेरिवेटिव बट द पॉइंट इज मोटर व्हीकल फाइनेंशियल एसेट नहीं है इट इज अ नॉन फाइनेंशियल एसेट जैसे कि मशीनरी हो गए इक्विपमेंट्स हो गए दीज आर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। सो इसीलिए 1 and 3 आर करेक्ट बिकॉज मोटर व्हीकल्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है सेक्टर्स स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेकेंडरी है बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद जब स्टोर होता है जैसे सेकेंडरी सेक्टर। डेयरी फार्म इज अ प्राइमरी मिनरल एक्सप्लोरेशन इज अ प्राइमरी सेक्टर। कन्फ्यूजन बहुत होती है बट इट इज एक्चुअली अ प्राइमरी सेक्टर एंड वीविंग क्लॉथ इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 2 दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स एग्रीकल्चर रेसिड्यूज कॉर्न ग्रेन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज वुड मील वेस्ट ये सबके सब यूज होता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में सबके सब यूज होता है एज अ फीड स्टॉक सो हियर आल्सो ऑल आर करेक्ट। सो बेसिकली ये काफी जनरल क्वेश्चन है इफ यू टॉक अबाउट दिस 2 to 3 क्वेश्चन काफी जनरल है जहां पे आप स्पॉट पे भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। ओके एंड द पॉइंट इज कैन बी यूज लिखा है तो कभी ना कभी यूज तो होगा ही। ठीक है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल कैपिटल विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल कंसीडर द फॉलोइंग फार्मर्स फ्लोर कंप्यूटर यार्न पेट्रोल। ओके तो फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल वेरी इजी है फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल बेसिकली वर्किंग कैपिटल हम रॉ मटेरियल्स यूज कर सकते हैं यहां पे रॉ मटेरियल्स। फिक्स्ड कैपिटल मोस्टली मशीनरी जो होता है। ओके तो हम देखेंगे फार्मर का जो प्लॉ होता है वो कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड कैपिटल होता है क्योंकि वो रॉ मटेरियल तो है नहीं तो ये गलत हो जाएगा। सो इट इज अ फार्मर्स प्लॉ इज अ फिक्स्ड कैपिटल इट इज रॉन्ग इट इज फिक्स्ड कैपिटल। कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल यस मशीनरी कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल सही है। यार्न इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल तो ये जो रॉ मटेरियल है तो ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं होगा तो ये वर्किंग कैपिटल होगा बिकॉज यार्न रॉ मटेरियल की तरफ यूज होता है। पेट्रोल इज अ रॉ मटेरियल यूज होता है तो इट इज अ वर्किंग कैपिटल। सो 2 इज करेक्ट 4 इज करेक्ट सो ओनली 2। ओके फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से क्या है जिनको हम इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स बोलते हैं जो भी साइमल्टेनियसली मिलियंस ऑफ यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट है वो है मेटावर्स। ओके वर्चुअल आइटम्स के ऊपर भी प्रॉपर्टी राइट्स हम कर सकते हैं दिस मेटावर्स डायरेक्ट क्वेश्चन है साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज्ड बाय आरबीआई व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं हो सकता एक कैपिटल रिक्वायरमेंट तो होगा ही देयर इज नो काफी एक्सट्रीम सेंटेंस अगर कितना मिनिमम कैपिटल है वो अगर भी पता नहीं एटलीस्ट यू कैन नो कि एक मिनिमम कैपिटल तो होगा ही फॉर होली ओन बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। फॉर होली ओन बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स। 50% थोड़ा ज्यादा हो जाता है थोड़ा कम है ऑन थर्ड या होगा लेकिन 50% तो नहीं है सो इट इज रॉन्ग सो नीदर 1 and 2। ओके नाउ कमिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैंडेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो CSR will specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. Obviously, why will be considered anything profit for company or उनको जो benefit for it is for the social corporate social responsibility is for the society not for the company or for the employees. So this is correct statement it will not be considered as CSR activities.
CSR rules do not specify minimum spending. They specify total book profit. 2% of the book profit, a particular amount hai 2%. So they specify minimum spending. That is 2% of the net book profit. So the answer is 1 is correct, 2 is wrong. So 1 only. So these three questions are mostly geography oriented questions. You can check it. I'll solve from here. Okay. 94. Identification of narcotics on passengers at airports or in aircraft, monitoring of precipitation, tracking the migration of animals. हर सबके लिए रडार आज के डेट में यूज होता है. आज नहीं तो कल यूज तो होगा ही. Now again there is a trick. इस type of application oriented question में अगर can word है तो आंसर हमेशा ऑल रहता है. जनरली और यूजुअली, ऐसा नहीं कि हमेशा, बट 90% आप जा सकते हो. सो दे कैन बी यूज, रडार्स कैन बी यूज. आज अगर नहीं भी हो रहे तो कैन, आगे तो हो ही सकता है. सो नार्कोटिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग माइग्रेशन एनिमल, सब में रडार यूज होता है. नेक्स्ट, राफेल, मिग 29, तेजस, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट. राफेल, मिग एंड तेजस, they are all not under fifth generation. 4.5 में Rafale है, Tejas भी 4.5 generation है and MiG-29 second generation है. ठीक है, fifth generation means आज के डेट में जो नया टेक्नोलॉजी, आज का डेट का टेक्नोलॉजी जो यूज होता है उसी को ही फिफ्थ जनरेशन हम बोलते हैं. इनिशियल लेवल पे है इंडिया, बात कर रहा है, इंडिया इज टॉकिंग अबाउट फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, बट स्टिल देन अभी तक नहीं है. Okay, which of the following hydrogels are used? Hydrogels are used in drug delivery in patients, mobile air conditioning relief, जो cold relief हमको देते हैं उसमें भी use होता है, industrial lubricants में भी use होता है. So again, hydrogels are used in all. So all three are correct. Okay, see, application oriented questions हमेशा लगभग सारे चीज सही होता है. I repeatedly tell to the students कि application based science questions अगर तीन option है तो 100% एक 95% का एक्यूरेसी है और सब सही हो. लेकिन मोर देन जब थ्री ऑप्शन हो जाता है, पांच या छह ऑप्शन होते हैं, तो वहां पे ऑल का संभावना थोड़ा कम रहता है. रिसेंटली पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली, ये अभी यूज हुआ था अभी रिसेंटली, सरकार इसकी बात कर रही है, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज. ये भी करंट अफेयर्स में था, थोड़ा छुपा हुआ था लेकिन ओपनली उतना नहीं था, लेकिन ये करंट अफेयर में है. मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर भी न्यूज में अभी रिसेंटली. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एक टेक्नोलॉजी है, उसी में यूज होता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर. दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर ये आपको पता है तो पता है, नहीं तो नहीं, वी कांट अटेम्प्ट. हम ज्यादा, हाँ अगर आप बायोरिएक्टर के बारे में जानते हो देन एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप जा सकते हो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में. लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स, with reference to Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instruments. So first of all, collateral borrowing and lending operations are, lending obligations are short-term debt instruments. Short-term debt instruments, और ये सब part है money market का. ठीक है, सब money market और capital market अगर हम बात करें तो ये money market का part है. And क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए. ओके, सो दीज आर द फाइनल एनालिसिस ऑफ आवर सीरीज ऑफ दिस 4 to 5 वीडियोज, एंड आफ्टर दिस आई जस्ट गिव एन ओवरऑल, इन माई द नेक्स्ट वीडियो आई गिव अ ओवरऑल व्यू ऑफ द कट ऑफ, कितना कट ऑफ जाएगा, पेपर कैसा है, टफ है या मीडियम है. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत ईजी है, आई विल कंसिडर इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि घर पर बैठ के सॉल्व करना बहुत ईजी लगता है. रियल टाइम पे सॉल्व करने में सबको एक डिफरेंस रहता है, रियल टाइम पे सॉल्व करना और घर पे बैठ के सॉल्व करना. ठीक है, क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी जितना मार्केट में बोला जा रहा है इजी. जब मार्क्स आएंगे, जब कट ऑफ आएगा तब पता चलेगा. आई गिव यू द कट ऑफ इन माय नेक्स्ट वीडियो, एक जस्ट एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा कि कट ऑफ कितना जाएगा. थैंक यू.